हरिद्वार में अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने के लिए पहुंचे पहलवानों की तस्वीरें देखने के बाद अब अखिलेश यादव ने बृजभूषण सिंह पर चुप्पी तोड़ दी है। बृजभूषण के नाम लिखे बिना पहलवानों को अपना समर्थन देते हुए अखिलेश ने ट्वीट में लिखा है कि इस बार माँ गंगा ने बेटियों को बुलाया है। बृजभूषण की खिलाफत करते हुए अखिलेश ने इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी के उस बयान पर निशाना साधा है जो पीएम ने वाराणसी में चुनाव लड़ने के दौरान दिया था। पीएम मोदी ने वाराणसी में कहा था, न किसी ने मुझे यहाँ भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ माँ गंगा ने बुलाया है। अखिलेश ने इस बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार माँ गंगा ने बेटियों को बुलाया है। इससे पहले देश में सरकार के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने ऐलान किया था कि वो हरिद्वार की गंगा में अपने ओलंपिक मेडल्स विसर्जित कर देंगे। इस ऐलान के बाद खाप पंचायतों और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कहा था कि पहलवान कोई गलत कदम ना उठाएं। खुद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हरिद्वार पहुंचकर पहलवानों के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद पहलवानों ने अपना ऐलान वापस ले लिया था। इस तरह का कोई कदम ना उठा, बड़ी मेहनत है, पदक जीत कर ले रखे, भारत का सम्मान है, भारत का गौरव है, और ऐसा कोई कदम ना उठावे तो वे हमारी बात मानेंगे और इंडिया जो कुछ भी बात है क्या होगी। हरिद्वार में पहलवानों ने कहा था कि खाप के चौधरियों ने उनसे 5 दिन का वक्त मांगा है, इसीलिए मेडल्स को गंगा में बहाए बिना उन्होंने वापस लौटने का फैसला लिया है। वहीं सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना को लेकर लोगों का गुस्सा दिखा। खुद भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा कि पहलवानों ने अपने मेडल्स नहीं प्रवाहित किए, ये उनका फैसला है, अगर मैं जांच में दोषी पाया जाऊंगा तो गिरफ्तारी हो ही जाएगी। उत्तर वही बता सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं और आज बैठे हुए हैं रमेश कांग्रेस और साक्षी मलिक, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए उन्हीं के निवेदन पर ओवरसाइट कमेटी की कमेटी बनी, आयोग की कमेटी भाई नहीं लगा, उन्हीं के निवेदन पर एफआईआर है, जांच चल रही है। अब आज मेडल फेंकने गई, मेडल की तरफ डालने के लिए गई, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकट को दे दी, तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं। नरेश टिकैत सीधे तौर पर कह रहे हैं हमारा एक जो कहते हैं। कुल मिलाकर इस मामले पर सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से खूब राजनीति हो रही है। सबके बीच वो पहलवान हैं जिन्होंने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा है कि पॉस्को के आरोपी होने के कारण बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन बृजभूषण को सरकार बचा रही है, इस कारण वो बेफिक्र होकर बाहर घूम रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।